साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युगीन गद्य प्रवृत्तियां और कविता। भारतेंदु युगीन गद्य भारतेंदु युगीन गद्य में नई विधाओं का प्रारंभ या नवीनीकरण हुआ। इनमें निबंध प्रमुख है। भारतेंदु युग के साहित्यकार जीवंत व्यक्तित्व वाले थे। उनके व्यक्तित्व की छाप सबसे ज्यादा निबंधों में है। निबंधों में व्यंग्य विनोद, हास परिहास भरपूर मात्रा में मिलता है। इनकी भाषा गंभीर विषयों पर लिखते समय भी चुलबुली और क्षेत्रीय प्रयोगों से युक्त होती है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, रचनाएं, बात, समझदार की मौत है आदि। राधाचरण गोस्वामी, रचना यमलोक की यात्रा। भारतेंदु, रचना स्वर्ग में विचार सभा। बालकृष्ण भट्ट, रचनाएं आंख, नाक, कान आदि इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं। इन निबंधों में अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से हुआ है। भारतेंदु युग में प्राचीन नाटकों को नए रूप में ढाला गया। उन्हें नए युग की समस्याओं और यथार्थ से जोड़ा गया। भारतेंदु युग के नाटकों में कथनी और करनी के अंतर को प्रकट किया गया है, इसलिए वे धार्मिक, सामाजिक एवं शासकीय प्रतिष्ठानों पर प्रहार करते हैं। इस युग में उपन्यास लेखन की ओर भी ध्यान दिया गया। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु और बालकृष्ण भट्ट ने 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखा। राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा। लेकिन इस युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। इनके लिखे दो उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। ये अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास हैं। इनमें अभूतपूर्व रोचकता और लोकप्रियता है। किशोरीलाल गोस्वामी ने अधिक संख्या में उपन्यास लिखे, जिनमें आदर्श रमणी और लवंगलता प्रमुख हैं। भारतेंदु ने कुछ आप बीती, कुछ जग बीती नामक कहानी लिखनी शुरू की थी, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजभोज का सपना नाम की कहानी लिखी। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने कश्मीर कुसुम
और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास लेखन और जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित लिखने की प्रवृत्ति का भी प्रारंभ किया। भारतेंदु ने नाटक पर जो निबंध लिखा है उसे हिंदी आलोचना का प्रारंभ कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम घन ने श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर समीक्षा लिखी। भारतेंदु युग में हिंदी अपना रूप ग्रहण कर रही थी, इसीलिए भारतेंदु युग की रचनाओं की भाषा एक ओर अनगढ़ है, दूसरी ओर उसमें ऐसा खुलापन है जिसमें देशज, तद्भव, तत्सम और हिंदी में ग्रहण करने योग्य किसी भी भाषा के शब्द आ सकते हैं। इनकी भाषा में क्षेत्रीय रंग उल्लेखनीय है, विशेष रूप से भारतेंदु के नाटकों की भाषा में। इस काल की गद्य भाषा को हंसमुख कहा गया है। भारतेंदु युगीन गद्य की प्रवृत्तियां। भारतेंदु युगीन गद्य का उत्कृष्ट रूप नाटकों में मिलता है। भारतेंदु युगीन नाटकों के गद्य में खड़ी बोली गद्य के विविध रूप दिखलाई पड़ते हैं। ये गद्य जन बोलियों से मिलता जुलता है। भारतेंदु युग के निबंधों में गद्य का जीवंत रूप मिलता है। भारतेंदु युग में व्यक्तिपरक और ललित निबंध प्रभूत मात्रा में लिखे गए। इस युग के निबंधों में निबंधकारों का जीवंत व्यक्तित्व साफ झलकता है। भारतेंदु युग के निबंधों की भाषा में हिंदी खड़ी बोली के अनेक स्तरों और रूपों का उपयोग मिलता है। भारतेंदु युग में गद्य लेखन के क्षेत्र में समीक्षा, उपन्यास, कहानी और इतिहास जैसी नवीन गद्य विधाओं का प्रवर्तन हुआ। इस युग के लेखकों ने गद्य में अनेक भाषाओं के शब्दों का खुलकर व्यवहार किया, इससे इनके गद्य में एक प्रकार का खुलापन आया। भारतेंदु युगीन कविता। भारतेंदु युग की कविता में भी नए विषयों का प्रवेश हुआ। यद्यपि भारतेंदु युग के काव्य की भाषा पारंपरिक ब्रज भाषा ही है, फिर भी उसका कथ्य आधुनिक है। उस ब्रज भाषा में भी गद्यात्मकता है। भारतेंदु ने प्रबोधिनी जैसी कविता में देश की तत्कालीन समस्याओं से पाठकों को अवगत कराया है। उनकी ये काव्य पंक्तियां दृष्टव्य हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहै अति ख्वारी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिं को शूल। भारतेंदु ने भक्तिपरक और रीति काव्य जैसी कविताएं भी लिखी हैं, तथा साथ ही साथ आधुनिक विचारों वाली कविताएं भी। भारतेंदु ने लोक प्रचलित काव्य रूपों में भी रचनाएं की। उन्होंने अमीर खुसरो की तरह दो सखुने और चना जोर गरम जैसी शैलियों का भी प्रयोग किया। भारतेंदु मंडल के अन्य प्रमुख कवि प्रेम घन ने तत्कालीन घटनाओं पर कविताएं लिखी, जैसे दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर उन्होंने अपना क्षोभ व्यक्त किया। प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं में टैक्स, अकाल, महंगाई जैसे विषयों पर होली, फाग
और लावणी जैसी जन प्रचलित काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया है। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युगीन गद्य प्रवृत्तियां और कविता। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर के चंदन और सुनीता चौहान। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। तथा निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊदयाल चतुर्वेदी